सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। मेरे विचार से ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन की एक हवा बन रही है, अंदर ही अंदर अंडर करेंट चल रहा है और एनडीए में मुख्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जो है पैरों के तले के ज़मीन खिसकती जा रही है और ये बहुत ही इन पार्टियों के लोग बौखलाए हुए हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रंजे टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से अमेठी के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर उपद्रव हुआ है, वहां पर कांग्रेस पार्टी की जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उनके शीशे वगैरह तोड़ दिए गए और पत्थरबाजी और भी मतलब कोशिश की जा रही थी आगे कुछ घटना करने की। और दूसरा, जो हरियाणा के अंदर जो बीजेपी की सरकार है उसके तीन विधायकों ने त्यागपत्र देकर इधर कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख कर लिया है और वहाँ पर शामिल हो गए हैं। क्या इन ऐसी घटनाओं को देखते हुए क्या संकेत लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जीत की तरफ बढ़ रही है, जिसके कारण बीजेपी एनडीए और जो एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर जो उपद्रव मचाया गया और जो हरियाणा में जो विधायकों द्वारा उसको त्यागपत्र देकर कांग्रेस पार्टी की तरफ शामिल हो गए, इन्हीं में जो घटनाएं घटती हो रही है, क्या संकेत लग रहे हैं कि आगे चलकर इंडिया गठबंधन जीत के कगार पर है और एनडीए गठबंधन हार के कगार पर और बीजेपी हारने वाली है? तो इसी को देखते हुए आज हम अपने देश के समाजसेवी हरि गौतम बिमल जी के पास उपस्थित हैं। क्या इनका विचार है इस विषय पर, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो सर, क्या आपके विचार हैं जिस प्रकार से ये घटनाएं घटित हो रही हैं, क्या संकेत महसूस हो रहे हैं आपको? भाई अमित जी, सबसे पहले तो मैंने रंजा टीवी इंडिया के सभी दर्शकों को सादर जय भीम नमो बधाय। देखिए, भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ कानून का शासन स्थापित है। लोकतांत्रिक देश में जब चुनाव होते हैं तो प्रत्येक राजनीतिक दल को, इवन निर्दलीय प्रत्याशी को भी, अपना पार्टी का, अपने संगठन का प्रचार प्रसार करने का पूरी तरह संवैधानिक अधिकार है। और जिस तरह यहाँ घटना हुई है अमेठी में कांग्रेस कार्यालय पर, कांग्रेस कुछ कारों में तोड़फोड़ की गई है और जैसा बताया गया कि वो उपद्रवी जो है बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता थे, तो यह निस्संदेह बहुत ही निंदनीय कार्य है। और इस तरह की घटना घटित करना, इसे प्रदर्शित होता है कि भाजपा के कार्यकर्ता जो अभी तीन चरणों का मतदान हुआ है उससे उन्हें आभास होने लगा है कि इंडिया गठबंधन जीत की ओर अग्रसर हो रहा है और भाजपा शासित सरकार जाने वाली है, तो उसी हताशा और निराशा में उनका यह कृत्य हो सकता है। मेरा वहाँ के स्थानीय प्रशासन से निवेदन है कि वो कानून के राज्य को स्थापित करते हुए जो इस तरह के उपद्रवी हैं, जिन्होंने कांग्रेस कार्यालय पर आके इस तरह का उपद्रव किया है, उनको चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरा प्रश्न आपने किया है कि हरियाणा में जो निर्दलीय विधायक है तीन, उन्होंने भाजपा सरकार से जो है अपना समर्थन वापस लेके वो कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, तो ये भी एक संकेत है कि हरियाणा में भाजपा की जो सरकार है वो जाने वाली है और वहाँ भी रुख इंडिया गठबंधन की तरफ लोगों का हो रहा है, क्योंकि नेता लोग तो जनता के बीच रहते हैं, उन्हें सब ये सब आभास होता रहता है कि जनता का मूड क्या है। और पिछले तीन चरण के मतदान में जो ट्रेंड आ रहे हैं और कुछ जो अपने राष्ट्रीय चैनल हैं, जो प्राइवेट चैनल हैं जैसे जी न्यूज़ जैसे चैनल, उनका भी रुख कुछ बदला है और वो थोड़ा लोकतांत्रिक ढंग से अब खबरों को प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। तो इन सब घटनाओं से आभास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के जितने सहयोगी दल हैं वो अब तक के चुनाव की हवा भाप कर वो निराशा और हताशा हैं और भाजपा के नेता और कार्यकर्ता अनर्गल बयानबाजी भी कर रहे हैं। तो ये सब कुछ इससे इंगत होता है कि जो भाजपा
आगे के जो चार चरण के अभी चुनाव बाकी हैं उसमें भी शायद इसी तरह का ट्रेंड चलेगा और भाजपा हो सकता है यहाँ से 2024 में विदाई हो जाए भाजपा की। सर क्या एक कारण और भी हो सकता है, जिस प्रकार से हमारे देश की बेटियों के साथ में यौन शोषण हुआ था, किया गया था ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा, और एक मणिपुर में जो बड़ी घटना हुई थी हमारे देश के अब तक की सबसे बड़ा इतिहास है कि जिस प्रकार से वहाँ पर निवस्त्र करके हमारी देश की बेटियों को सड़कों पर घुमाया गया और खेतों में घुमाया, जंगलों में घुमाया, उनके साथ में मतलब बहुत गलत उत्पीड़न किया गया, क्या ये ऐसे जो घटना है इनको लेकर भी हमारे देश की जनता इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर दिया है क्या? देखिए एक बार पुनः कहूँगा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें बिना जाति धर्म लिंग और कलर के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कहीं किसी से कोई भेदभाव नहीं होता है और यह कानून का शासन स्थापित है। कानून की नज़रों में चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे ट्राइबल्स हों, चाहे जो है क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, सबके लिए कानून बराबर है। परंतु कानून को लागू करने वाले लोगों की जो है मानसिकता थोड़ी दूषित होने की वजह से वो कानून का संविधान के अनुसार या विधि सम्मत रूप से पालन नहीं कराते हैं। निसंदेह जो है चाहे वो पहलवान बेटियों की बात हो जिन्होंने भाजपा के सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो है रेप का आरोप लगाया, उसमें पार्टी द्वारा उनके विरुद्ध, ब्रजभूषण जी के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं की गई है। इसी तरह मणिपुर की बेटियों को नंगा करके घुमाया गया उपद्रवियों के द्वारा, उसमें भी हालांकि भाजपा समर्थित वहाँ सरकार है और उन्होंने भी जो है इस उन उपद्रवियों के प्रति कठोर कार्रवाई नहीं की है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, परंतु जब ये घटना मणिपुर की बेटियों के साथ जो अशोभनीय अमानवीय कृत्य होता है, साथ ही पहलवान बेटियों के साथ में इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो उस पर एक शब्द भी नहीं बोलते और उनके पास जाके, मणिपुर में जाके लोगों का हालचाल भी नहीं पूछते। यह बहुत ही दुखद और अच्छी बात नहीं है देश के प्रधानमंत्री के लिए, जबकि वो अपने को विश्व का बहुत कहना चाहिए पॉपुलर नेता मानते हैं और भारत को विश्वगुरु बनाने की तरफ होने का दावा करते हैं, तो इस तरह की घटनाएं जो है उस पर भी उनको संज्ञान लेना चाहिए। बेटियों के संदर्भ में, पहलवान बेटियों के संदर्भ में, मणिपुर की बेटियों के संदर्भ में भी उनको अपना वक्तव्य देना चाहिए था। सर जिस प्रकार से अमेठी में जो कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है वहाँ पर जो उपद्रव फैलाया, बीजेपी के जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो उपद्रव किया गया, गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए गए, और इसी को देखते हुए जो हरियाणा के अंदर जो एक जो बीजेपी की सरकार है उसके 3 विधायक त्यागपत्र देकर कांग्रेस में शामिल हो गए, तो क्या इन संकेतों से पता चल रहा है कि एनडीए सरकार या बीजेपी की सरकार के गिरने के, मतलब आने वाले समय में उसके गिरने के आसार आ रहे हैं या मोदी जी के हारने के आसार हैं? इन ऐसी घटनाओं को देखते हुए आपका क्या विचार है? देखिए पहले तो मैं रेंजर टीवी इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इंटरव्यू के लिए मेरे को जो है अप्रोच किया, और आपके इन दोनों मुद्दों के बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे अमेठी में जो कांग्रेस पार्टी का कार्यालय था उस पर विरोधी भाजपा के लोगों द्वारा गाड़ियों में तोड़फोड़ और वहाँ लोगों को झूठा डराया धमकाया गया, इस सब चीज़ से ऐसा प्रतीत होता है। और दूसरी बात ये भी है कि जो हरियाणा में भी हुआ है, अभी अभी 3 जो निर्दलीय विधायक थे उन्होंने वहाँ की सरकार, नायब सिंह सैनी जो हैं वहाँ मुख्यमंत्री हैं, उनसे सरकार से, भाजपा की सरकार से जो है समर्थन वापस ले लिया है और उन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस में दे दिया है। इन दोनों घटनाओं से मेरे विचार से ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन की एक हवा बन रही है, अंदर ही अंदर अंडर करेंट चल रहा है, और एनडीए में मुख्य
पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो है पैरों के तले के ज़मीन खिसकती जा रही है और ये बहुत ही इन पार्टियों के लोग बौखलाए हुए हैं। इसी का नतीजा है कि अमेठी में इनके कार्यकर्ताओं द्वारा इस तरह का उपद्रव एवं मारपीट किया गया और लोगों का आगे ये विचार बन रहा है कि आने वाले जो ये लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, 3 चरण हो चुके हैं, 4th चरण 3 तारीख को होने वाला है, उसे यही आभास होने लगा है लोगों को कि आने वाले समय में ये बीजेपी की सरकार चली जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार उसकी जगह आ सकती है। इसकी संभावनाएँ बहुत बहुत ज़्यादा हैं। इसी को देखते हुए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं और जगह जगह उपद्रव एवं हिंसा कर रहे हैं। अभी जो हमारा चुनाव हुआ था 7 तारीख को, उस दिन भी कई इधर मैनपुरी और कन्नौज में घटनाएं देखने को मिली थी, वहाँ भी उन्होंने इसी तरह का उपद्रव और जो है तोड़फोड़ की है। इसी तरह जो है हरियाणा में हवा चल रही है कि आगे आने वाले समय में जो प्रदेश का चुनाव होगा उसमें भी जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी और हरियाणा में जो 10 संसदीय क्षेत्र हैं उनमें भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है। इससे ये भाजपा के लोग बौखलाए हुए हैं, इसीलिए जगह जगह ये तोड़फोड़ और जो है इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। मेरा तो यही विचार है कि आगे आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सीटें 200 तक ही सीमित रह जाएंगी। सर, क्या ये मुद्दा भी हो सकता है जिस प्रकार से जो हमारी देश की बेटियों के साथ में दुराचार हो रहे हैं, यौन शोषण हो रहे हैं, और जैसे कि मणिपुर में भी हमारे देश की बेटियों के साथ में मतलब निवस्त्र करके उन्हें घुमाया गया क्षेत्रों में, और जिस प्रकार से आज धनंजय सिंह जैसे लोग और क्या नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग आज खुले घूम रहे हैं, जो बड़ी बड़ी धाराओं में इनके ऊपर मतलब मुकदमे चल रहे हैं, तो क्या इंडिया गठबंधन का जो संकेत मिल रहा है जीतने का, क्या ये भी कारण हो सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारे देश की बेटियों के साथ जो दुराचार और मतलब यौन शोषण की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? जी, आपका कहना सही है कि जैसे मणिपुर हमारा एक प्रदेश है, वहाँ पर हमारे जो है बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया गया और उनके साथ गलत व्यवहार किया गया और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वहाँ उन गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी तरह अभी देखिए हाल फिलहाल में कर्नाटक में भी प्रज्वल रेवन्ना जो है वो जर्मनी भाग गया है और उसके ऊपर कम से कम 3,000 बेटियों ने और महिलाओं ने आरोप लगाए हैं, उनके साथ शोषण किया गया है, उनके साथ अत्याचार किया गया है। तो ये दोनों जगह की घटनाओं से लोग जो है इनसे परेशान हैं, इनसे घबराए हुए हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह इस भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा मिले और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बने। आज की न्यूज आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सकें और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।